हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आदित्य और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम ये वाले पोर्टेबल बारबेक्यू सेट के बारे में बात करेंगे जो हमने 31st की पार्टी के लिए मंगाया था। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। ये हमें 999 रुपीज़ का पड़ा। ये तीसरे दिन पे हमारे पास आ गया ऑर्डर करने के बाद। हमने इसे बहुत ही ज़्यादा क्विक डिसीजन लेके मंगाया था क्योंकि इसके रिव्यू रेटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, और सबसे अच्छी बात यह कि ये साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटा है और ये फुल सेट आता है। चलो फटाफट से अब आप लोगों को खोल के बता देता हूँ। वैसे हमारी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी इसके साथ, बट इसने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया। देखो सबसे पहले तो आपको ये बकेट मिल जाता है जो कि स्टेनलेस स्टील का कहते हैं। अभी आई एम नॉट श्योर कि ये स्टेनलेस स्टील का है या नहीं। इसके ऊपर आइवरी पाउडर कोटिंग की गई है और वुडन हैंडल दिए गए हैं पकड़ने के लिए, गरम गरम अगर आपको पकड़ना हो तो। और ये भी इसके साथ में अंदर वाला सेट आता है। ये छोटा बकेट है, इसके अंदर हमको कोल रखना है और जलाना है। इसकी क्वालिटी ना ठीक ठाक ही लग रही है, कुछ इतनी ज़्यादा भी प्रीमियम नहीं है, बट प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। 999 में आपको पूरा सेट मिल जाता है, 20 बार भी चले तो पैसा वसूल है। और इसके साथ में ये 3 स्टिक्स आती है जिसके साथ में आपको वुडन हैंडल मिल जाता है, तो अगर गर्म भी होगा तो वो आपको गर्म लगेगा नहीं, ये सबसे अच्छी बात है। और 250 ग्राम्स आपको इसके साथ चारकोल मिलता है, तो आप एक बार आराम से इसको यूज़ कर सकते हो अगर आप बाहर से चारकोल नहीं खरीदो तो। और इसके साथ ये देखो ये ग्रिल नेट मिल जाता है विथ हैंडल। इसको यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो बस ऐसे कोल्ड रखा, थैली निकाल के रखना, ऐसे नहीं। मैं भी इसको फर्स्ट टाइम ही सेट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली ये कैसे चलता है। ओके ऐसे रहेगा ताकि आप इसको उठा भी सको, ग्रिल को, इसके नेट को। और ये देखो आप अपना खाना ऐसे बना सकते हो। ये 999 रुपीज़ में फुल सेट आ जाता है, जो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल बात है। अगर 20 बार भी चल जाए तो भी बहुत ज़्यादा वर्थ है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा ही चलेगा। और इसके साथ 3 स्टिक्स भी आती है जिसके ऊपर वुडन हैंडल है। ये देखो कुछ इतना साइज़ पड़ता है, मेरा हाथ आ जाता है इसके ऊपर। अप्रॉक्सीमेटली आप 250 ग्राम्स चिकन आराम से पका सकते हो। चिकन बोलो, पनीर बोलो, मच्छी बोलो, कुछ भी आप आराम से पका सकते हो जो आपको चाहिए। इसके नेट ग्रिल की क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, चारकोल भी ठीक ठाक है। बाकी अगर मैं ये बकेट की बात करूँ और ये वाले अंदर वाले छोटे बकेट की बात करूँ तो क्वालिटी ठीक ठाक ही है इन दोनों की, कुछ ज़्यादा खास नहीं लगी। बट हाँ क्वालिटी अच्छी देके करना ही क्या है। और इसकी जो कोटिंग है मुझे लगता है दूसरी तीसरी चौथी बार में ही जल जाएगी, बट हाँ कोटिंग रहे ना रहे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये जो प्राइस पॉइंट पर आता है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। हमने काफ़ी एंजॉय किया 31st वाले दिन, और इस पर बहुत सारा खाना पका के खाया। मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा वर्थ बाइंग है 999 रुपीज़ में। दोस्तों अगर आप भी इसे बाय करना चाहते हैं तो बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेकआउट करके ले सकते हैं। आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, कुछ भी हो तो मुझे नीचे कमेंट करके बता दो, मैं जल्द से जल्द आप लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों मेरे चैनल पर और बहुत सारे वीडियो हैं, सारे चेकआउट कर लो, शायद आपको पसंद आ जाए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराने सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू सो मच। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।